Swayam Prabha, Digital India, Educated India. दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम लेकर के, ले के प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भागवान इस श्रम और औद्योगिक विधि भागवान में आज हम व्याख्यान त्री के अंतर्गत भारत में ट्रेड यूनियन और इनकी मान्यता पर चर्चा करेंगे इस व्याख्यान का उद्देश्य है ट्रेड यूनियन के अर्थ एवं संकल्पना को समझना भारत में ट्रेड यूनियनों के विकास को जानना कैसे इनका विकास भारत में हुआ है और क्या इनकी परिस्थिति आज के समय में है ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार का कानूनी प्रावधान क्या है वह कौन से प्रोविजन है विधियों में जिसके तहत ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार प्राप्त है कर्मचारियों को नियक्ताओं को ट्रेड यूनियन के सदस्य और इसकी औपचारिकताएँ क्या हैं ट्रेड यूनियन का पंजीकरण और पंजीकरण का रद्द किया जाना इसकी हम चर्चा करेंगे इसके पश्चात हम ट्रेड यूनियन के विधित विधिक व्यक्तित्व की प्रास्थिति को समझने का प्रयास करेंगे एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होने के बाद इसकी क्या विधिक प्रास्थिति है और अंत में हम ट्रेड यूनियन के विशेषाधिकार को जानेंगे ट्रेड यूनियन को क्या विशेषाधिकार विधि के अंतर्गत प्राप्त है ट्रेड यूनियन सामान्य अर्थों में ट्रेड यूनियन का तात्पर्य नियोक्ताओं या फिर कर्मचारियों के संगठन से है और अगर ट्रेड यूनियन की उत्पत्ति का हम चर्चा उत्पत्ति की चर्चा करें तो ट्रेड यूनियन कारखाना व्यवस्था का परिणाम है फैक्ट्री सिस्टम का ये रिजल्ट है जैसे फैक्ट्री सिस्टम ग्रो किया औद्योगिकरण के बाद वैसे ही ट्रेड यूनियन की संकल्पना जन्म लेती है और ट्रेड यूनियन का दर्शन है एकता में अटूट शक्ति उद्योगों में ये माना जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारी एकता में अटूट शक्ति होगी और हम अपनी इस शक्ति का उपयोग करके अपनी मांगों को रख सकते हैं मनवा सकते हैं इस ट्रेड यूनियन का उपयोग सामान्यतः नियुक्ताओं से संपर्क और मोल करने के माध्यम के रूप में किया जाता है सामान्यतः हम समझते हैं कि ट्रेड यूनियन आ, एक कर्मचारियों का यूनियन है वर्कर्स का यूनियन है लेकिन एक ट्रेड यूनियन एक नियोक्ता का भी यूनियन हो सकता है नियोक्ताओं का भी यूनियन हो सकता है इस पर हम चर्चा आगे करेंगे तो ट्रेड यूनियन कर्मचारियों के संदर्भ में ट्रेड यूनियन वह एक माध्यम है जिसके जरिए कर्मचारीगढ़ उनका यूनियन अपने नियोक्ता से संपर्क करता है और उससे मोल भाव करता है करता है। ट्रेड यूनियन ने औद्योगिक संघर्षों का एक आदर्श समाधान प्रदान किया है आदर्श समाधान इस संदर्भ में कि अगर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कैसे किया जाए क्या उस विवाद का निपटारा राज्य अपनी तरफ से कर दे या फिर नियोक्ता अपनी तरफ से कर दे या फिर उस विवाद के निपटारे में कर्मचारियों का कर्मकारों का वर्कर का भी योगदान होना चाहिए तो इस ट्रेड यूनियन व्यवस्था ने इसके लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है जिसके तहत किसी भी विवाद का निपटारा नियोक्ता और कर्मचारी के सहयोग से किया जाता है इस अनूठे और अभूतपूर्व परिवर्तन की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है जैसा हम सभी जानते हैं कि औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ ब्रिटेन में पश्चिमी देशों में ब्रिटेन में यह प्रारंभ होता है और यह संकल्पना ट्रेड यूनियन की संकल्पना, संकल्पना भी वहीं से शुरू होती है ट्रेड यूनियन की संकल्पना एक समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित है समाजवादी सिद्धांत का तात्पर्य यहां पर है इस, इस ट्रेड यूनियन की संकल्पना का उद्देश्य वर्कर की प्रास्थिति को बढ़ाना है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है और ट्रेड यूनियन की इस संकल्पना के साथ साथ एक एक इसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि व्यक्तिगत जो संबंध नियोक्ता और कर्मचारी का है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारियों के संगठन के बीच में एक संबंध बन रहा है ट्रेड यूनियन कर्मचारियों द्वारा अपने नियोक्ता के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करने का एक माध्यम है और यह एक सामूहिक सौदेबाजी का एक 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 साधन है ट्रेड यूनियन के माध्यम से कर्मचारीगण अपने नियोक्ता के समक्ष अपनी मांगों को रख सकते हैं और सामूहिक रूप से अपने नियोक्ता के साथ सौदेबाजी करके अपने वेतन कार्य के कार्य की दशाएँ या फिर जो भी और परिस्थितियाँ हैं उसके लिए वो बार्गेन कर सकते हैं ट्रेड यूनियन का अर्थ एवं संकल्पना ट्रेड यूनियन होता क्या है सामान्यतः हम समझते हैं कि ट्रेड यूनियन एक ऐसा यूनियन है जो किसी व्यापार के संबंध में उसके कर्मचारियों कर्मकारों के द्वारा बनाया गया है लेकिन ये ये सोच एक एक बहुत ही संकीर्ण सोच है ट्रेड यूनियन का एक व्यापक मीनिंग लिया गया है एक व्यापक अर्थ लिया गया है और व्यापक यहाँ पर होने का तात्पर्य यह है कि एक ट्रेड यूनियन नियोक्ताओं का भी ट्रेड यूनियन हो सकता है आमतौर पर ट्रेड यूनियन को श्रमिकों का संघ माना जाता है अगर हम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 2H को देखें तो यह कहता है ट्रेड यूनियन निम्नलिखित के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है एक पर्पज जो इस ट्रेड यूनियन का है कि दो ग्रुप हैं दो समूह हैं उन दोनों समूहों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को विनियमित करना है रेगुलेट करना है कौन कौन से वो ग्रुप हैं वो ग्रुप है कर्मकार और नियोक्ता सामान्यतः हम ट्रेड यूनियन का तात्पर्य कर्मकार के यूनियन से मानते हैं और कर्मकार का यूनियन नियोक्ता के साथ अपना संबंध स्थापित करता है लेकिन एक कर्मकार का कर्मकार के साथ क्या संबंध होगा एक कर्मकार का ट्रेड यूनियन दूसरे कर्मकार के ट्रेड यूनियन से भी संबंध स्थापित करता है और ऐसा संबंध भी एक ट्रेड यूनियन की श्रेणी में आ सकता है और तीसरा यहाँ पर है नियोक्ता और नियोक्ता ट्रेड यूनियन नियोक्ता और नियोक्ता के बीच संबंध को विनियमित करने के लिए भी बनाया जाता है अर्थात तीन तरह के ट्रेड यूनियन हो सकते हैं एक नियोक्ताओं का ट्रेड यूनियन दूसरा कामगार का ट्रेड यूनियन और तीसरा यहाँ पर जहाँ पर कामगार और कामगार आपस में संबंध स्थापित करते हैं एक ट्रेड यूनियन का दूसरे ट्रेड यूनियन के साथ जिस जिसे हम फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कहते हैं ये भी हो सकता है इसका एक उद्देश्य है दो समूहों के बीच संबंध को स्थापित करना इसके साथ ही साथ इसका दूसरा उद्देश्य है किसी भी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तों को अधिरोपित करना अगर नियोक्ता ने कर्मकारों को नियोजन दिया हुआ है तो किन शर्तों के अधीन वो नियोजन दिया गया है और किन शर्तों के अधीन उन कर्मकारों को उस उद्योग में कार्य करना है उस पे जो शर्तें अधिरोपित की जाएंगी ये भी विरमित किया जाएगा ये भी अधिरोपित किया जाएगा ट्रेड यूनियन के माध्यम से ट्रेड यूनियन यहाँ पर विस्तृत अर्थों में दो ट्रेड यूनियन का एक फेडरेशन uh, भी हो सकता है इसमें दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियन का संघ भी शामिल है अगर दो छोटे छोटे ट्रेड यूनियन हैं तो उनको एक मजबूत ट्रेड यूनियन बनाने के लिए अगर आपस में सम्मिलित किया जाता है शामिल किया जाता है तो वो भी ट्रेड यूनियन माना जाएगा एक ट्रेड यूनियन एक अस्थाई यूनियन भी हो सकता है एक स्थाई यूनियन भी हो सकता है ये परमानेंट भी हो सकता है ये टेम्प्ररी भी हो सकता है अगर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक ट्रेड यूनियन बनाया जाता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात उस ट्रेड यूनियन की कोई भूमिका नहीं रह जाती है उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है और वो डिजॉल्व हो जाती है तो यहाँ पर माना जाएगा कि वह ट्रेड यूनियन एक अस्थायी ट्रेड यूनियन था लेकिन ढेर सारे यूनियन सामान्यतः यूनियन स्थायी प्रकृति के होते हैं अगर आप किसी भी ट्रेड यूनियन के नाम लें भारत मजदूर संघ या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये सब स्थायी ट्रेड यूनियन है बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 उसकी धारा टू क है दो क है जो कि ट्रेड यूनियन को परिभाषित करता है वह यह भी कहता है कि यह अधिनियम ट्रेड यूनियन अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा इसमें सम्मिलित है पहला साझेदारों के बीच व्यवसाय के संबंध में समझौता अगर दो पार्टनर हैं दो साझेदार हैं उनके बीच में व्यवसाय को लेकर के कोई समझौता हो रहा है तो ऐसा समझौता ट्रेड यूनियन के स्कोप में नहीं आएगा उसके लिए दूसरा लॉ है जिसको पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं वहाँ पर वो कवर होगा साथ ही साथ नियोक्ता और कर्म नियोजित आ, के बीच रोजगार से संबंध कोई समझौता अगर नियोक्ता किन्हीं शर्तों के अधीन नियोजन का का, का प्रस्ताव रख रहा है तो उस शर्तों को आ, आ, पर बार्गेन करने के लिए उस शर्तों पर समझौता करने के लिए नियोक्ता और नियोजित के बीच में कोई समझौता नहीं होगा वो पूर्व शर्तें हैं वो शर्तें अगर आप मानते हैं तभी आप उस नियोजन में जाएंगे अन्यथा आप उस नियोजन में ना जाए तीसरा यहाँ पर है व्यवसाय की शाख की बिक्री या किसी पेशे व्यापार या हस्तशिल्प में शिक्षा पर विचार करने वाला कोई भी समझौता ट्रेड यूनियन की परिधि में नहीं आता है भारत में ट्रेड यूनियन का विकास इस 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 विषय को समझना थोड़ा सा कठिन है आ, क्योंकि भारत में ट्रेड यूनियन के विकास का एक समान रूप नहीं रहा हुआ है भारत में ट्रेड यूनियन के विकास को समझने के लिए हम ट्रेड यूनियन के विकास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करेंगे और पहला कालखंड है 1875 से लेके 1918 का वो पीरियड जहाँ पर भारत में ट्रेड यूनियन का विकास होता है और 1875 वो वो वर्ष है जब भारत में पहली बार एक ट्रेड यूनियन बनाया गया था कैसे ये ट्रेड यूनियन अस्तित्व में आता है इसकी हम चर्चा करते हैं 1875 से लेकर 1918 तक का जो जो, जो पीरियड है जो काल है इसे ट्रेड यूनियन के लिए एक लोक कल्याणकारी काल कहा जाता है लोक कल्याणकारी काल कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ट्रेड यूनियन का जो विकास इस काल के दौरान होता है उसको मार्गदर्शन मिला था जो उस समय के सामाजिक चिंतक और और लोक कल्याणकारी चिंतक थे उनके द्वारा इसको एक दिशा मिला हुआ था और उनका ये जो चिंतन था वो लोक कल्याण पर आधारित था और ये स्टार्ट होता है प्रारंभ होता है बंगाल से और इसके लिए समाज सुधारक दीन बंधु मित्र का योग बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है जिन्होंने ट्रेड यूनियन की व्यवस्था का भारत में शुरुआत किया इन्होंने अमानवीय परिस्थितियों जो कि बेसिकली उस समय जो जो इंडिगो इंडस्ट्री थी नील के उद्योग थे उसमें जो अमानवीय प्रथाएं प्रचलित थे उसके विरुद्ध उन्होंने वर्कर्स को यूनाइट करने के लिए अपना ये आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन के आलोक में अंततः अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध इंडिगो आयोग की सिफारिश भी हुई और इंडिगो आयोग का भी मानना था कि हाँ इंडिगो इंडस्ट्रीज़ में जो इंडिगो उद्योग हैं उसमें परिस्थितियाँ जो कार्य की परिस्थितियाँ हैं परिस्थितियाँ हैं वो बहुत अमानवीय हैं साथ ही साथ दूसरे समाज सुधारक थे उस समय आ, जी शाहपुरी इन्होंने अमानवीय परिस्थितियों का विरोध किया और इन्होंने ये मांग की कि जो आ, हम वर्कर हैं जो कर्मकार हैं उनके जो कार्य की परिस्थितियां हैं वो मानवीय दशाओं पर आधारित हों वो अमानवीय ना हों पृष्ठभूमि में अंततः अठारह में एक कारखाना कमीशन नियुक्त किया गया था और उस कारखाना कमीशन की संस्तुति पर अट्ठारह में पहली बार भारत में कारखाना अधिनियम पारित किया गया था और और ये जो कारखाना अधिनियम था कारखाना अधिनियम आ, के लिए जो कमीशन बना हुआ था इस कमीशन ने भी बाल श्रम और महिलाओं के अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की थी और और इनको रेगुलेट करने के लिए कारखाना अधिनियम 1881 बनाने का अपना संस्तुति प्रदान किया था आगे बढ़ते हैं भारत का ट्रेड भारत में ट्रेड यूनियन के विकास को समझने के लिए 1884 में एन एम लोखांडे ने बंबई में कारखाना के श्रमिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया ये सम्मेलन बंबई में आयोजित किया आयोजित किया गया था अट्ठारह में और इस, इस आंदोलन का जो सम्मेलन का जो विषय था वो विषय था कि कर्मकारों को क्या उनके उद्योग में जहाँ पर वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उनको आराम के दिन मिलने चाहिए क्या उन्हें अवकाश मिलना चाहिए उनकी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कब किया जाए या फिर उनके कार्य के घंटे कितने हों ये ऐसे विषय थे जो उस समय बहुत बहुत ही नियुक्ताओं के प्रभुत्व के कारण बहुत ही दयनीय परिस्थिति में थे और इन्हीं के विरुद्ध उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन में लगभग 5,300 श्रमिकों ने भाग लिया अठारह में इस पहले सम्मेलन में 5,300 श्रमिकों ने भाग लिया और एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके उन्होंने अपनी मांगों को प्रस्तुत किया और इसी सम्मेलन के आलोक में पहली बार बॉम्बे में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नाम का पहला श्रमिक संगठन अस्तित्व में आया तो भारत में पहला श्रमिक संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के रूप में अट्ठारह में आता है जो कि अट्ठारह में एन एम लोखांडे द्वारा आयोजित की गई श्रमिकों के सम्मेलन का एक परिणाम था ये पहला श्रमिक तो श्रमिक संघ तो माना गया है लेकिन अगर हम आज आधुनिक संदर्भ में अगर अगर एक आ, ट्रेड यूनियन एक श्रमिक संघ की चर्चा करेंगे तो इसके ढेर सारी आवश्यकताओं को ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन पूरा नहीं करता था इसलिए बहुत ही आ, 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 प्रारूप में संदर्भ में या फिर फॉर्मल सेंस में इसे एक ट्रेड यूनियन कहना थोड़ा सा कठिन होता है इस एसोसिएशन का जो पहला एसोसिएशन था इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था दीनबंधु मित्रा को और दीनबंधु मित्रा ने उस समय एक लेबर जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम था श्रमिक पत्रिका इस श्रमिक पत्रिका का प्रकाशन दीनबंध सॉरी दीन बंधु मित्रा के द्वारा किया गया था और वो उसके संपादक थे और इस पत्रिका के प्रकाशन का तात्पर्य ये था कि श्रमिकों से संबंधित जो भी दशाएं हैं जो भी विधियाँ हैं उस पर श्रमिकों को ज्ञान देने के लिए उनके तक सूचना पहुँचाने के लिए हम इस इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू करेंगे इसके पश्चात संघ अपनी मांग रखने के लिए मुख्य रूप से याचिकाओं ज्ञापनों और अन्य संवैधानिक साधनों पर निर्भर थे उस समय का जो ट्रेड यूनियन का कार्य करने का तरीका था वो बहुत ही संवैधानिक तरीका था वो कोई भी ऐसा गैर संवैधानिक गैर विधिक तरीका नहीं अपनाते थे जो कि व्यवस्था के लिए कोई इनकन्वीनियंस कोई इनकन्वीनियंस पैदा करे इसलिए वो सामान्यतः याचिकाओं के माध्यम से ज्ञापनों के माध्यम से या फिर अन्य संवैधानिक साधनों के माध्यम से अपनी मांगों को प्रस्तुत करते थे और प्रारंभ में जो प्रारंभिक आंदोलन थे वो बाल श्रम और साथ में साथ महिला श्रमिकों की स्थिति के खिलाफ विद्रोह तक ही सीमित था शुरुआत में जो मांगे उठी आ, ट्रेड यूनियन के द्वारा ट्रेड यूनियन के रूप में वो बाल श्रम के विरुद्ध और महिला श्रमिकों की दशाओं के विरुद्ध ही थी बाद में इनका दायरा बढ़ता है और और सारे श्रमिक इसमें शामिल होते हैं और उस समय तक स्थिति ये थी कि शिकायत निवारण के लिए या फिर नियोक्ता पर दबाव डालने के लिए हड़ताल को एक साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता था हड़ताल की संकल्पना उस समय उतनी विकसित नहीं थी या फिर ये कहें कि उस समय वर्कर इतने यूनाइटेड नहीं थे कि उनको हड़ताल करने की या फिर ऐसा निर्णय लेने की क्षमता थी आगे चल के ये क्षमता विकसित होती है इसके पश्चात भारत में ट्रेड यूनियन का विकास का जो कालखंड है वो 1918 से लेकर के 1924 के दौरान है और 1918 से 1924 का जो दौर है उसे आधुनिक ट्रेड यूनियन का विकास का दौर माना जाता है भारत में जो आधुनिक ट्रेड यूनियन विकसित होता है वो सामान्यतः 18 1918 से लेकर 1924 के बीच में विकसित होता है और इसमें ढेर सारे कारक हैं जो इसे आधुनिक विकास आ, का दर्जा देते हैं उसमें पहला है आधुनिक ट्रेड यूनियन का गठन और भारत में जो पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन गठित होता है वह है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इस ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है इसके पश्चात श्रमिकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप हड़तालें भी शुरू हुई हड़तालों को एक आर्थिक दबाव के साधन के रूप में श्रमिकों ने उपयोग करना शुरू किया और इसके माध्यम से नियोक्ताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया देश की राजनीतिक स्थिति उस समय ब्रिटिशर्स का यहाँ पर आ, आ, शासन था तो देश की राजनीतिक स्थिति ने भी श्रमिक आंदोलन के विकास में मदद की और सामान्यतः जो जो युद्ध का दौर था प्रथम विश्व युद्ध का दौर था उस समय जो विश्व व्यापी अशांति उत्पन्न हुई थी वहाँ पर औद्योगिक श्रमिकों को उसने जागृत करने में योगदान दिया और इस तरह से ट्रेड यूनियन की संकल्पना और सुदृढ़ होती है यही वो काल है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन अस्तित्व में आता है 1919 में और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन श्रमिकों की सुरक्षा उनके हितों के संरक्षण के लिए ढेर सारे मानक प्रस्तुत करता है तो इसलिए ये फैक्टर्स है ये कारक है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि 1918 से लेकर के 1924 तक का जो काल है यह भारत में आधुनिक श्रमिक ट्रेड यूनियन के विकास का एक एक, एक आधुनिक काल है इसके पश्चात 1925 से लेकर के 1934 का जो काल है उसमें भारत में ढेर सारे ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई और साथ ही साथ जो पहले से स्थापित ट्रेड यूनियन थे उसमें विभाजन भी हुआ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि 1920 में स्थापित की गई थी और जिसे भारत का पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन आ, कहे जाने का आ, दर्जा प्राप्त है इसमें विभाजन होता है और अंततः इसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी जो जो विचारधारा के वर्कर्स हैं वो दो ग्रुपों में बढ़ जाते हैं और अंततः एक और ट्रेड यूनियन अस्तित्व में आता है जिसका नाम है अखिल भारतीय मजदूर संघ तो अब अब 1925 के बाद एक वो दौर भी भारत में आता है जहाँ पर एक तरफ हम ट्रेड यूनियन के गठन या उसके मजबूत होने की बात कर रहे हैं उसके विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन में विभाजन भी प्रारंभ हो गया और शायद इसके लिए राजनीतिक कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इसी काल में उन्नीस से लेकर उन्नीस में कुछ विधिक विकास भी होते हैं भारत में जैसे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में बनाया जाता है इसके पश्चात व्यापार विवाद अधिनियम उन्नीस में बनाया जाता है और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 बनाने का तात्पर्य है ट्रेड यूनियन को मान्यता देना और ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन की जो 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 आवश्यकताएं हैं उसको बताना और एक रजिस्टर्ड पंजीकृत ट्रेड यूनियन की क्या परिस्थिति होगी विधि के संदर्भ में ये सारी चर्चाएँ ट्रेड यूनियन अधिनियम उन्नीस में की गई हैं इसके पश्चात 1935 से लेकर 1947 का जो दौर है हम हम इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ये भी कालखंड भारत में ट्रेड यूनियन के विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कालखंड है 1935 से 1947 के दौरान ट्रेड यूनियन के बीच एकता बनी और ट्रेड यूनियन गतिविधियों का पुनरुद्धार हुआ तो उन्नीस सौ के बीच में जो एक एक, एक नया डेवलपमेंट हुआ एक एक नया जो कारक डेवलप किया विकसित हुआ वो था कि जो ट्रेड यूनियन आपस में विभाजित हो रहे थे वो फिर से यूनाइट होने का प्रयास कर रहे थे तो दो चीज़ें बहुत आ, साथ, -साथ विकसित हो रही थी भारत में ट्रेड यूनियन का विभाजन और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का एक साथ आना कई ट्रेड यूनियनों का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विलय भी हुआ उसी दौरान अब अब ये समय बहुत ज्यादा जो बहुत बड़ा नहीं है 1925 में जहाँ पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन होता है 1935 आते आते उसी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में ढेर सारे अन्य ट्रेड यूनियनों का विलय भी होता है तो ये जो आ, समानांतर विकास हो रहा है दोनों संदर्भों में ये समझना थोड़ा सा कठिन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक अशांति और ट्रेड यूनियन गतिविधियों में वृद्धि होती है औद्योगिक अशांति के कारण ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में वृद्धि होने का तात्पर्य जो वर्कर्स थे वो यूनाइट होते हैं और अपने मांगों को अपनी नियोक्ता के समक्ष रखने के लिए वो एक, एक, एक समूह बनाते हैं और उस समूह के रूप में अपनी मांगों को रखने में वो सफल होने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में वृद्धि होती है और अगर हम उस समय का जो आ, ट्रेड यूनियन की संख्या है उसकी चर्चा करें तो उन्नीस आते आते भारत में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या हो गई थी एक हज़ार सतासी में ट्रेड यूनियन अधिनियम बनाया गया जिसके तहत ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्र पंजीकरण का प्रावधान बनाया गया और 1926 से लेकर 1946 तक बीस इक्कीस सालों में लगभग 1000 ट्रेड यूनियन भारत में पंजीकृत होते हैं अगर आज की हम चर्चा करें तो आज ट्रेड यूनियनों की संख्या आ, 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 दस हज़ार के आसपास है इसी के साथ साथ 1935 और 1947 के दौर में हड़तालों की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई ट्रेड यूनियनों के द्वारा ढेर सारी हड़तालें की गई अपनी मांगों को रखने के लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए तो इस काल में हड़ताल करने की प्रवृत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और इस वृद्धि का कारण है ट्रेड यूनियन का बनना और उस ट्रेड यूनियन के द्वारा सामूहिक सौदेबाजी का अपना जो माध्यम है अपना जो आ, अस्त्र है उसको यूज़ करना उसका उपयोग करना तो तो पंजीकृत ट्रेड यूनियन की संख्या में अपार वृद्धि हुई और साथ ही साथ हड़ताल की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई इसी समय आ, आ, भारत में आ, इंडिया डिफेंस रूल भारत के रक्षा नियम 1942 बनाया गया और इस नियम में नियम 81 है इक्यासी ने सरकार को सशक्त बनाया सरकार को ढेर सारा अधिकार दिया और सरकार उस अधिकार का यूज़ करके औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए बलपूर्वक उपाय यूज़ करना शुरू कर दिया हम ये मानते हैं कि अगर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में कोई विवाद है तो उस विवाद का जो आदर्श निपटारा होगा वो नियोक्ता और कर्मचारियों के यूनियन को आपस में बैठ के निकालना होगा अगर यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप होता है और राज्य बलपूर्वक हड़ताल को रोकने के लिए या फिर नियोक्ता को सपोर्ट करने के लिए उसको सहयोग करने के लिए बलपूर्वक अगर ऐसे विवादों का निपटारा करता है तो अंततः जो एक औद्योगिक -एक संबंध की अच्छी और स्वस्थ स्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है राज्य ने बलपूर्वक उपायों का यूज़ करना शुरू कर दिया और और इसी के संदर्भ में एक नया डेवलपमेंट होता है 1946 में एक नया लॉ बनाया जाता है नई विधि बनाई जाती है जिसका नाम है औद्योगिक रोजगार स्थाई आदेश अधिनियम 1946 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 जो स्थाई आदेश अधिनियम 1946 पारित किया गया इसका उद्देश्य है कि किन शर्तों के अधीन नियोक्ता किसी कर्मचारी को नियोजन में रखेगा किन शर्तों के अधीन कर्मचारी को किसी उद्योग में कार्य करना है और और अन्य शर्तें कौन कौन सी हैं जो कार्य के कार्य के दौरान कर्मचारी को पालन करना है इन सारी शर्तों का एक 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 युक्ति-युक्त ढंग युक्त से इसका बनाया जाना और बनाए जाने के बाद इसकी पूर्व सूचना कर्मचारियों को मिले जिससे कि वो इस नियम का पालन कर सके इस संदर्भ में इस विधि का यहाँ पर विकास होता है भारत में और और ये आगे भूमिका निभाती है इसके पश्चात भारत में जो ट्रेड यूनियन का विकास होता है उन्नीस के बाद स्वतंत्रता के बाद उसकी भी चर्चा करनी आवश्यक है क्योंकि आज की जो परिस्थिति है भारत में ट्रेड यूनियन की उसको समझने के लिए हमको स्वतंत्रता के बाद के जो विकास हुए हैं उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी उन्नीस के बाद भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन राजनीतिक दृष्टि से बहुत विविध रूप में प्रस्तुत हुआ विविध रूप का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो राजनीतिक आंदोलन उस समय चल रहे थे या फिर आ, होए थे उनके आलोक में भारत में ट्रेड यूनियन की संख्या बढ़ी उनकी गतिविधियां बढ़ी और ट्रेड यूनियन में विविधता भी बढ़ी और इसी संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1947 में किया गया स्वतंत्रता के दौरान या पश्चात भारत में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस वह राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो अभी राजनीतिक आंदोलन को एक, एक एक दिशा देने में लगा हुआ था उसको नेतृत्व प्रदान कर रहा था अब वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन करता है उन्नीस में अपने जो वर्कर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं उनको यूनाइट करने के लिए इसके पश्चात 1948 में जो सोशलिस्ट पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी के जो चिंतक हैं चिंतक हैं उन्होंने भी भारत में एक ट्रेड यूनियन की स्थापना की उसका गठन किया जिसका नाम था हिंदू मजदूर सभा तो आप देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद ढेर सारे राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन का गठन होता है और ये ट्रेड यूनियन का गठन सामान्यतः विचारधारा के आधार पर होता है राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हो उन्नीस में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी गठन हुआ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस में वो लोग शामिल थे जो भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को नहीं मानते थे या फिर उससे अलग होकर के वो अपना एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन बनाना चाहते थे इसी दौरान उन्नीस में बहुत ही महत्वपूर्ण विकास होता है भारत में औद्योगिक विधि के संदर्भ में जब औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस पारित किया जाता है औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस भारत में औद्योगिक संबंध को स्थापित करने में और औद्योगिक विवादों के निपटारा करने में निपटारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये विधि उन्नीस में भारत में बनी और लागू हुई इसके पश्चात जब औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस बना तो उसका जो सबसे आ, प्रमुख परिवर्तन उसके द्वारा लाया गया वो था औपचारिक न्याय निर्णय प्रणाली शुरुआत की गई जो फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम होगा औपचारिक न्याय निर्णय की प्रणाली होगी उसको शुरुआत उसकी शुरुआत की गई और कोई भी औद्योगिक विवाद अब उस प्रणाली के तहत ही निपटारित किया जाएगा ऐसा एक नया विकास उन्नीस में होता है इसके पश्चात जैसा कि हमने बताया कि 1935 से 1947 के दौरान हड़ताल की गतिविधियों में अथाह वृद्धि हुई थी तो राज्य को ये भी लगा कि अगर हड़ताल की गतिविधियों में ऐसी वृद्धि होती रहेगी तो अंततः जो 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 उत्पादन है वो प्रभावित होगा और और उपभोक्ता तक उत्पादन ना पहुंचने से अन, समाज में एक एक तरह की अशांति की, की स्थिति आ सकती है तो ऐसे में औद्योगिक विवाद अधिनियम उन्नीस के द्वारा जो हड़ताल और तालाबंदी की प्रवृत्ति थी उसको भी विनियमित करने का प्रावधान किया गया हड़ताल का अधिकार कर्मचारियों को होगा लेकिन उस हड़ताल के अधिकार को तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब इस विधि में बताई गई पूर्व शर्तों का आप पालन करते अगर हैं अगर पूर्व शर्तें शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो जो हड़ताल होगा वो अविधिक माना जाएगा और उसके ढेर सारे परिणाम होंगे जो भुगतना पड़ेगा कर्मचारियों को इसके बाद उन्नीस में भारतीय मजदूर संघ का गठन हुआ और भारतीय मजदूर संघ गठन होने के बाद अब अब के, के बाद जब ये प्रवृत्ति हुई कि ढेर सारे ट्रेड यूनियनों का गठन हो रहा है तो अब वहाँ से एक एक नया दौर स्टार्ट होता है भारत में ट्रेड यूनियन के विकास का एक नया दौर स्टार्ट होता है और वो है ट्रेड यूनियन को यूनाइट करने का प्रयास प्रमुख ट्रेड यूनियनें कई ट्रेड यूनियनों में विभाजित हो गई और और इस तरह से जो 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 ट्रेड यूनियन का जो सामूहिक सौदेबाजी का जो अधिकार था या जो माध्यम था नियोक्ता पर दबाव डालने का वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा था वो लिमिट होता दिखाई दे रहा था और इसलिए अंततः उन्नीस में ट्रेड यूनियन में एकता लाने के लिए कदम बढ़ाया गया और ये कहा गया कि ट्रेड यूनियन को यूनाइट होना चाहिए ढेर सारे ट्रेड यूनियन होंगे तो उसके जो सदस्य होंगे वह डिवाइड हो जाएंगे और ऐसे में किसी एक यूनियन के पास इतना ज़्यादा शक्ति नहीं होगा या फिर इतना ज़्यादा संख्या नहीं होगा कि जिसके आधार पर वो नियोक्ता के ऊपर अपना दबाव डालने में वो सक्षम हो सके नियोक्ता चाहता है कि ट्रेड यूनियन कमज़ोर हो अगर ट्रेड यूनियन कमज़ोर होगा तो वो सामूहिक सौदेबाजी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा और नियोक्ता का प्रभुत्व स्थापित रहेगा और दूसरी तरफ जब ट्रेड यूनियन को आप मजबूत करते हैं तो ट्रेड यूनियन के मजबूत होने के साथ ही साथ जो नियोक्ता का प्रभुत्व है वो कम होता है और नियोक्ता के प्रभुत्व के कम होने के साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन है उनकी मांगों को वो पूरा करता है और इस तरह से जो 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 वर्कर्स का जो कर्मकारों का कल्याण है ये बढ़ता है इसलिए ट्रेड यूनियन का यूनाइट होना इसका एक होना बहुत आवश्यक है और ये 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 विकास भारत में उन्नीस से स्टार्ट हो जाती है अब हम आते हैं भारत में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार किसे है और और उस अधिकार को हम किस विधि के तहत सुरक्षित मानते हैं इस पर चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद उन्नीस ंसी के तहत हमें संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है हमें संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है इसका तात्पर्य यह हुआ कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मकार हैं उनको भी अपना संघ बनाने का अधिकार है और यह जो संवैधानिक प्रोविजन है जो संवैधानिक उपबंध है संघ बनाने का अधिकार ये इस, इस ट्रेड यूनियन के, के मान्यता के पीछे का सबसे बड़ा एक, एक दर्शन है जब हम कर्मकारों के संघ बनाने के अधिकार की बात करते हैं तो किसी कर्मकार का संघ के सदस्य के रूप में बने रहने का भी अधिकार है कोई जबरदस्ती उसे उसकी सदस्यता से निलंबित नहीं कर सकता जब तक कि कुछ अन्य परिस्थितियों का जिक्र न किया गया हो तो ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने से इनकार करने का भी अधिकार है अगर मैं एक कर्मकार हूँ अगर मैं एक एक कर्मचारी हूँ और उद्योग के तहत आ, कोई कोई ट्रेड यूनियन बनाया गया है और मैं उस ट्रेड यूनियन का सदस्य होना बनना नहीं चाहता हूं तो मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि मैं उस ट्रेड यूनियन का सदस्य बनूं साथ ही साथ ट्रेड यूनियन में शामिल होने के लिए बाध्य न किए जाने का अधिकार और ट्रेड यूनियन से हटने के लिए बाध्य न किए जाने का अधिकार एक बार मैं अगर किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बन जाता हूं तो कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे उस ट्रेड यूनियन की सदस्यता से निकाला जाए निलंबित किया जाए लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं है जो अधिकार अनुच्छेद उन्नीस वन सी में मिला हुआ है संघ बनाने का अधिकार वह अभी पूर्ण नहीं है इस पे राज्य के द्वारा लिमिटेशन लगाया गया है और वो लिमिटेशन सामान्यतः शांति व्यवस्था बनाए रखने या फिर अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख करके लगाया जाता है भारत में ट्रेड यूनियन का गठन जैसा हमने चर्चा किया अट्ठारह के दौरान शुरू हुआ और 1875 में जब ट्रेड यूनियन की शुरुआत भारत में हुई इनका विकास भारत में हुआ तो इसमें समाज सुधारकों ने उद्योग में अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ श्रमिकों को संगठित और संरक्षित करने के लिए इस इस, इस ट्रेड यूनियन का विकास प्रारंभ किया ट्रेड यूनियन का सदस्य कौन हो सकता है अगर हम आ, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के प्रावधानों की चर्चा करें तो वहाँ पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि ट्रेड यूनियन का सदस्य कौन हो सकता है लेकिन अगर हम ट्रेड यूनियन की परिभाषा को देखें और उसके बाद ट्रेड यूनियन विनियम 1938 के खंड चार और फार्म ए को देखें प्रारूप ए को देखें तो हम समझ सकते हैं कि ट्रेड यूनियन का सदस्य कौन हो सकता है ट्रेड यूनियन का गठन कामगार या नियोक्ता द्वारा किया जा सकता है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 2H एच इसकी पुष्टि करती है इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक ट्रेड यूनियन एक कर्मकारों का ट्रेड यूनियन हो सकता है एक नियोक्ताओं का भी ट्रेड यूनियन हो सकता है ये जो शब्द ट्रेड यूनियन है जो शब्द व्यापार संघ है ये शब्द केवल और केवल कर्मकारों तक सीमित नहीं है ये नियोक्ताओं का भी एक यूनियन हो सकता है ट्रेड यूनियन का आमतौर पर उपयोग आमतौर पर श्रमिकों के संघ के रूप में किया जाता है श्रमिक श्रमिकों के ट्रेड यूनियन गठन करते हैं लेकिन इसके 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 अतिरिक्त नियोक्ताओं का भी ट्रेड यूनियन हो सकता है भारत में ट्रेड यूनियन का पंजीकरण ट्रेड यूनियन गठित करना और ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करना दो अलग अलग बातें हैं बिना पंजीकरण के भी ट्रेड यूनियन अस्तित्व में हो सकता है क्योंकि जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त है अनुच्छेद उन्नीस वन सी में वह केवल और केवल संघ बनाने का अधिकार देता है वहाँ पर संघ बनाने के लिए किसी पूर्व आवश्यकता की बात नहीं की गई तो जो वर्कर्स हैं जो कर्मकार हैं कर्मचारी हैं जो नियोक्ता हैं ये अपना एक यूनियन बना सकते हैं और वो यूनियन अस्तित्व में माना जाएगा लेकिन लॉ बनने के बाद 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम बनने के बाद एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है और सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम के रूप में केवल उन्हीं ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्राप्त है जो इस विधि के तहत पंजीकृत है इसलिए इस पंजीकरण के प्रोविजन को जानना प्रावधान को जानना और और एक ट्रेड यूनियन का इस प्रावधान के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है अगर हम ट्रेड यूनियन अधिनियम की बात करें ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा चार में ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की बात की गई है और ट्रेड यूनियन के सात या अधिक सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते तो अब अब इस, 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 इस रिक्वायरमेंट से इस इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि पहले ट्रेड यूनियन अस्तित्व में आ जाता है उसके बाद वो पंजीकृत पंजीकृत होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो एक ट्रेड यूनियन बन गया उसके साथ या सात से अधिक सदस्य पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं अभी बहुत ही एक एक तकनीकी आवश्यकता है अगर कोई भी आवेदन सदस्यों द्वारा किया गया है और सदस्यों की संख्या सात या सात से कम है तब वहाँ पर उस आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा निरस्त कर दिया जाएगा और ट्रेड यूनियन का पंजीकरण नहीं कराया जाएगा तो कम से कम सात या अधिक सदस्यों का होना आवश्यक है और ऐसे आवेदन के दौरान ट्रेड यूनियन के नियमों में उनके नाम की सदस्यता लेकर नाम की सदस्यता से तात्पर्य यहाँ पर है जब भी आवेदन किया जाएगा ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए तो वो कौन सात लोग हैं उनका नाम क्या है और आवश्यकताएं क्या हैं इसका जिक्र यहाँ पर किया जाएगा आवेदन में कानून के तहत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन आपको जो लॉ बताया गया है 1926 का जो ट्रेड यूनियन अधिनियम है और साथ ही साथ 1938 का जो ट्रेड विनियम है उसके माध्यम से आपको एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा अब एक बात यह होती है कि सामान्यतः अगर ये हो कि सात सदस्यों ने मिलकर के एक आवेदन किया एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है सात सदस्यों के द्वारा और बाद में पंजीकरण से पूर्व किसी एक दो सदस्य ने अपना नाम वापस लिया तो क्या ऐसे में उस आवेदन को ध्यान में रख करके ट्रेड यूनियन को पंजीकृत कर दिया जाएगा या इस आधार पर कि आवेदन करने वाले सदस्यों की संख्या सात से कम हो गई है और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ऐसे मामले में धाराचार्य स्पष्ट करता है कि बाद में किसी सदस्य के अपना नाम वापस लेने या पृथक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वो प्रारंभ में सात लोगों ने आवेदन कर दिया है तो उस आवेदन के आधार पर एक ट्रेड यूनियन पंजीकृत किया जाएगा धारा पाँच के अनुसार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए जो आवेदन है वो रजिस्ट्रार को किया जाएगा इस इस लॉ के उद्देश्य के लिए सरकार के द्वारा रजिस्ट्रार का नियुक्त किया जाता है और वो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का काम देखता है जब भी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा रजिस्ट्रार को तो ऐसे में आवेदन में कुछ पूर्व आवश्यकताओं का पूरा किया जाना आवश्यक है ये आवश्यकताएं हैं पहला ट्रेड यूनियन के नियमों की एक प्रति अगर आप ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराने चाह रहे हैं तो आप ट्रेड यूनियन का क्या नियम है किस नियम के तहत वो ट्रेड यूनियन वर्क करता है क्या आपने उसकी पॉलिसी बनाई हुई है उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना पड़ेगा साथ ही साथ आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम व्यवसाय और पते जो सात लोग मिलकर के आवेदन सात से संख्या सात से अधिक हो सकती है सात से कम नहीं होनी चाहिए तो जो लोग भी मिलकर के आवेदन कर रहे हैं तो उनके क्या नाम हैं उनका क्या व्यवसाय है उनके क्या पते हैं इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का पता अगर ट्रेड यूनियन को आप पंजीकृत कराना चाहते हैं तो किस नाम से आप ट्रेड यूनियन को पंजीकृत कराना चाहते हैं वो नाम भी आपको बताना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके ट्रेड यूनियन का प्रधान कार्यालय कहाँ होगा उसका पता क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा इसका तात्पर्य यह हुआ कि पंजीकरण में जा पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व ट्रेड यूनियन को अपना एक कार्यालय स्थापित करना पड़ेगा और साथ ही साथ उस ट्रेड यूनियन के कार्य करने की जो नीति होगी उस नीति का भी उसको आ, आ, बनाना पड़ेगा इसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियन आवेदन ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के आवेदन में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों की पदवी कौन कौन से लोग ऑफिस वेयर हैं उनके क्या नाम हैं उनका क्या उम्र है और क्या पता है और क्या व्यवसाय है ये सारी बातें इन सारी बातों का जिक्र आवश्यक है अब यहाँ उम्र से तात्पर्य ये है कि आ, ट्रेड आ, यूनियन अधिनियम 1926 सौ ये प्रावधान करता है कि किसी भी ट्रेड यूनियन का कोई भी जो पदाधिकारी होगा कोई भी जो ऑफिस बेरर होगा वो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए तो इस रिक्वायरमेंट को जानने के लिए यहाँ पर कौन कौन पदाधिकारी है और उस पदाधिकारी का उम्र क्या है ये जानना आवश्यक है अठारह वर्ष अगर कम का कोई सदस्य है तो तो वो ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी नहीं हो सकता अब यहाँ पर एक बात जानने लायक है कि किस उम्र में कोई भी किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है अगर हम पूरे पूरे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को एग्जामिन करें तो ये पाया जाता है कि जहाँ तक पदाधिकारी होने की बात है पदाधिकारी के केस में वो पदाधिकारी 18 वर्ष से कम उम्र का ना हो और जहाँ तक सदस्य होने की बात है उसमें कोई नियम नहीं दिया गया है ट्रेड यूनियन अधिनियम में कि किस अवस्था में किस एज में एज ग्रुप में एक 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 व्यक्ति ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है लेकिन यहाँ पर ये, आ, कहा जा सकता है कि जब आवेदन के लिए आप अपने ट्रेड यूनियन की नीति सबमिट कर रहे हैं तो उस नीति में इसका जिक्र जरूर होगा कि आप किनको अपना सदस्य बनाना चाहेंगे उनका एज क्या होगा तो इस तरह से ये जो आ, सदस्य बनने के उम्र की बात है वो शायद आवेदन के लिए ट्रेड यूनियन ने जो अपना नीति सबमिट किया हुआ है उसमें ये कवर हो जाएगा पंजीकरण से पहले ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी का गठन किया जाना आवश्यक है धारा छ और सात में उसका जिक्र किया गया है जब भी एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा तो पंजीकरण के आवेदन से पूर्व कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा अर्थात कौन कौन पदाधिकारी हैं और उनके क्या नाम हैं क्या उम्र हैं क्या व्यवसाय हैं सारा जिक्र किया जाएगा साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का नाम क्या होगा कभी कभी ये देखा जाता है कि एक ट्रेड यूनियन बहुत प्रचलित है राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन है और किसी ने दूसरा ट्रेड यूनियन पंजीकृत कराया उसका नाम उससे मिलता जुलता है तो कहीं उस उस बहुत ही प्रचलित नाम का सहयोग लेकर के अपने ट्रेड यूनियन को प्रचलित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है तो इन चीज़ों को भी रजिस्ट्रार के द्वारा परीक्षित किया जा सकता है तो आपको आवेदन के साथ ट्रेड यूनियन का क्या नाम होगा और अगर ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रार को ये प्रतीत होता है कि इससे मिलता जुलता ट्रेड यूनियन का नाम ऑलरेडी पंजीकृत हो चुका है पूर्व में पंजीकृत हो चुका है तो ऐसे में नाम में परिवर्तन करने का सलाह रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जा सकता है इसके साथ ही साथ और आवश्यकताओं में एक आवश्यकता यह है कि जब आप ट्रेड यूनियन पंजीकृत कराने जा रहे हैं तब तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ट्रेड यूनियन को आपने गठित किया हुआ है तो वह उद्देश्य जिसके लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई है वो उद्देश्य भी आपको बताने होंगे साथ ही साथ वो उद्देश्य भी आपको बताने होंगे जिनके लिए ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि लागू की जाएगी अगर ट्रेड यूनियन के पास फंड है अगर ट्रेड यूनियन की निधि है तो वो निधि किन कार्यों के लिए किन उद्देश्यों के लिए यूज किया जाएगा उपयोग किया जाएगा वह भी बताना आवश्यक है इसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के सदस्यों की सूची का रख रखाव किस तरह से किया जाएगा ये बताना आवश्यक है सामान्य सदस्यों का यूनियन में प्रवेश कैसे होगा और यहीं पर वो बात का शामिल है कि उनका उम्र कितना होगा ये भी आवश्यक है ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क का भुगतान अगर सदस्यता शुल्क है तो वो सदस्यता शुल्क कितना है और किसी सदस्य के द्वारा उस सदस्यता शुल्क का कब कैसे भुगतान किया जाएगा इससे संबंधित जो नियम है वो भी आपको आवेदन के समय बताना होगा इसके साथ ही साथ वो अन्य शर्तें जिनके तहत कोई भी सदस्य किसी लाभ का हकदार होगा उसे भी सदस्यों को बताया जाना आवश्यक है इसके साथ ही साथ कार्यकारिणी के सदस्यों और ट्रेड यूनियन के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का तरीका क्या होगा केवल पदाधिकारियों की के नियुक्ति ही नहीं पर्याप्त है आपने पदाधिकारियों की नियुक्ति किस तरीके से की वो तरीका भी आपको बताना पड़ेगा पंजीकरण से पूर्व ट्रेड यूनियन के धन के सुरक्षित अभिरक्षा और वार्षिक अभिलेखा लेखा परीक्षा अगर ट्रेड यूनियन का वो फ़ंड है तो वो फ़ंड कहाँ रखा गया है कैसे रखा गया वो सुरक्षित है नहीं है या फिर उसका जो वार्षिक लेखा परीक्षा है एनुअल अकाउंट है उसकी भी जिक्र करनी पड़ेगी उसका भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा दस्तावेज देना पड़ेगा पंजीकरण के दौरान इसके साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के दौरान आपको यह भी बताना पड़ेगा कि अगर भविष्य में आप ट्रेड यूनियन को भंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप भंग करेंगे तो ट्रेड यूनियन बनने के साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के भंग करने का तरीका भी निर्धारित हो जाता है अगर भविष्य में ट्रेड यूनियन को भंग किया जाएगा तो उसी तरीके के तरीके के अनुसार ही उसको भंग किया जाएगा पंजीकरण से पूर्व ट्रेड यूनियन कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और तत्पश्चात रजिस्ट्रार एक रजिस्टर में प्रवेश करके एंट्री करके ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करेगा रजिस्ट्रार तो तो के द्वारा ट्रेड यूनियन को पंजीकृत किया जाएगा और पंजीकरण के पश्चात रजिस्ट्रार के द्वारा उस ट्रेड यूनियन को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा धारा आठ और नौ के तहत तो, तो पंजीकरण के पश्चात पंजीकरण का एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा पंजीकरण के पश्चात पंजीकरण तो तो का रद्द किया जाना ढेर सारे ट्रेड यूनियन बनते हैं बनने के बाद वो फिर फिर रद्द भी किया जाता है उनका उनका पंजीकरण रद्द भी किया कर दिया जाता है तो वो कौन कौन से आधार हैं जिसके माध्यम से किसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का रद्द किया किया जा सकता है किसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रार द्वारा तो सबसे पहले वो अथॉरिटी कौन है वो प्राधिकारी कौन है जिसके द्वारा ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को रद्द किया जाएगा किसी भी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्राधिकार रजिस्ट्रार को है और साथ ही साथ उसे निरस्त करने रद्द करने का अधिकार भी रजिस्ट्रार को ही है द्वारा वापस लिया या रद्द किया जा सकता है धारा दस के तहत ऐसा निर्णय ट्रेड यूनियन के आवेदन पर और यदि प्रमाण पत्र धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त किया गया है तो स्वतः रजिस्ट्रार के द्वारा और अगर ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त हो गया है तो इसके आधार पर उस ट्रेड यूनियन का जो अस्तित्व है उसको निरस्त किया जाएगा रद्द किया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा अगर कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के किसी भी डिसीजन से किसी भी निर्णय से व्यथित है तो कोई भी व्यथित व्यक्ति उच्च न्यायालय या प्रमुख सिविल न्यायालय में अपील कर सकता है धारा ग्यारह के तहत किसी ट्रेड यूनियन का पंजीकृत करने से को पंजीकृत करने से रजिस्ट्रार का इनकार या पंजीकरण प्रमाण पत्र को वापस लेना या रद्द करना अगर ऐसा कोई निर्णय हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अपील में हाई कोर्ट में या प्रधान सिविल न्यायालय में जाया जा सकता है और और धारा बारह के अनुसार हर पंजीकृत ट्रेड यूनियन का प्रधान कार्यालय जहां पर कोई भी सूचना रजिस्ट्रार के द्वारा सूचित की जाएगी उसके लिए पंजीकृत कार्यालय का होना आवश्यक है ट्रेड यूनियन का विधिक व्यक्तित्व अगर एक ट्रेड यूनियन पंजीकृत हो गया और एक ट्रेड यूनियन पंजीकृत नहीं हुआ तो क्या दोनों की जो विधिक परिस्थिति है वो समान है क्या एक अपंजीकृत और पंजीकृत ट्रेड यूनियन को सामाजिक समझौते का सामूहिक समझौते का समान अधिकार प्राप्त है अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसके लिए हमको एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की विधिक परिस्थिति को जानना उसके विधिक व्यक्तित्व को जानना आवश्यक है धारा तेरह के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन एक निगमित निकाय जिस नाम से वह पंजीकृत है उस नाम से वह एक निगमित निकाय होगा यहाँ पर निगमित निकाय कहने का तात्पर्य है उसको एक विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हो जाएगा और इस विधिक व्यक्तित्व को इस विधिक व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने या फिर संपत्ति धारण करने की शक्ति के साथ साथ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर भी होगी तो जो पंजीकृत ट्रेड यूनियन होगा वह विधि के दृष्टि से एक विधिक व्यक्ति माना जाएगा एक निगमित निकाय माना जाएगा और इस निगमित निकाय निकाय को अनुबंध करने समझौता करने या फिर उक्त नाम से मुकदमा दायर करने या फिर उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है ऐसी प्रस्तुति प्राप्त होगी यहाँ पर कुछ अधिनियम है कुछ कुछ विधियां हैं जहां पर ट्रेड यूनियन अधिनियम लागू नहीं होता है और उसमें है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912, और कंपनी अधिनियम उन्नीस जब जो जो कि आज उन्नीस सौ दो हजार तेरह का हो चुका है तो ये तीन अधिनियम दिन हैं जहाँ पर ट्रेड यूनियन अधिनियम लागू नहीं होता है ट्रेड यूनियन के विशेषाधिकार ट्रेड यूनियन को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं पंजीकरण के पश्चात ट्रेड यूनियन की क्या प्रासिति होगी और कौन से विशेषाधिकार उस ट्रेड यूनियन को प्राप्त ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं लेकिन पदाधिकारियों के विशेषाधिकार से पूर्व हमें ट्रेड यूनियन के विशेषाधिकार की चर्चा कर लेनी चाहिए एक एक सामान्य सा प्रश्न ये उठता है कि क्या एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन सामूहिक सौदेबाजी के लिए एक मान्यता प्राप्त एजेंट है सामान्यतः इसकी चर्चा किसी विधि में नहीं मिलती है ना तो ट्रेड यूनियन अधिनियम में ना तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में और ना ही स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में लेकिन माना यह जाता है कि पंजीकरण के पश्चात कोई भी ट्रेड यूनियन उसके वर्कर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उस रिप्रेजेंटेटिव को सामूहिक सौदेबाजी में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है तो अप्रत्यक्ष रूप से एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन एक एक मान्यता प्राप्त एजेंट है इसका मतलब ये हुआ कि जो अपंजीकृत ट्रेड यूनियन है वो मान्यता प्राप्त एजेंट नहीं है अगर वो कोई मांग रखते हैं या फिर वो कोई आ, 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 बात रखते हैं सामूहिक सौदेबाजी के लिए तो नियुक्ता उस पर ध्यान नहीं देगा जहाँ तक ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के विशेषाधिकार की बात है तो उसमें व्यापार विवाद में आपराधिक षडयंत्र के लिए कोई दायित्व तो नहीं होगा हम सभी जानते हैं कि जो षड्यंत्र का अपराध है वहाँ पर आ, आपराधिक विधि में भारतीय दंड संहिता के धारा 120 सौ के तहत आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है और धारा 120 सौ ख के तहत आपराधिक षड्यंत्र को दंडित किया गया है लेकिन अगर व्यापार विवाद अगर ट्रेड डिस्प्यूट के कंटेक्स में व्यापार विवाद के संदर्भ में अगर कोई निर्णय पदाधिकारियों के द्वारा लिया जाता है तो पदाधिकारियों को वहाँ पर षडयंत्र के अपर, अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा उनको ये विशेष अधिकार प्राप्त है साथ ही साथ व्यापार विवाद को आगे बढ़ाने में किए गए किसी भी कार्य के संबंध में सिविल मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं होगा पदाधिकारियों के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है ट्रेड यूनियन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में लिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई भी मुकदमा सिविल न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता ये विशेषाधिकार ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को प्राप्त है साथ ही साथ एजेंट के किसी भी कपटपूर्ण कार्य के लिए के संबंध में सिविल मुकदमा कायम नहीं किया जा सकेगा अगर ट्रेड यूनियन का कोई एजेंट है कोई पदाधिकारी है उसका कोई मेंबर है और वह कोई कपटपूर्ण कार्य करता है तो ऐसे में ट्रेड यूनियन को की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एक सदस्य की गलती के लिए उस ट्रेड यूनियन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा ये एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को विशेष अधिकार प्राप्त है साथ ही साथ पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों के बीच व्यापार को बाधित करने वाला समझौता शून्य नहीं होगा सामान्यतः जब हम संविदा विधि की चर्चा करते हैं तो संविदा विधि में ये नियम है कि अगर आप कोई ऐसा समझौता कर रहे हैं जो व्यापार को बाधित करता है तो वह समझौता हमेशा और हमेशा शून्य माना जाता है लेकिन यहाँ पर अगर पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों के बीच व्यापार को लेकर के कोई समझौता किया गया है और वहाँ पर किसी का व्यापार बाधित भी हो रहा है तो ऐसे में वह समझौता संविदा विधि के उस प्रावधान के विरुद्ध नहीं माना जाएगा अर्थात ऐसा कोई भी समझौता शून्य नहीं होगा वो लागू किया जाएगा इसके पश्चात अंत में हम हम इस व्याख्यान में चर्चा की गई बिंदुओं को संक्षिप्त में रखना चाहेंगे इस इस व्याख्यान में हमने सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन के अर्थ एवं संकल्पना को समझा कि ट्रेड यूनियन क्या होता है कैसे ट्रेड यूनियन की संकल्पना अस्तित्व में पश्चिमी देशों में आती है और उसके बाद हमने भारत में ट्रेड यूनियन के विकास को जाना और कैसे प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद भारत में ट्रेड यूनियनों के विकास में परिवर्तन हुए हैं और कैसे ट्रेड यूनियन का विकास हुआ है हमने इसको जाना तत्पश्चात ट्रेड यूनियन बनाने का जो कानूनी प्रावधान है या फिर जो अधिकार मिला हुआ है सदस्यों को उसकी चर्चा की उसके लिए हमने संविधान की चर्चा की ट्रेड यूनियन के सदस्य और इसकी औपचारिकताओं को समझा हमने कौन ट्रेड यूनियन का सदस्य बन सकता है सदस्य बनने के बाद वह कब आवेदन कर सकता है आवेदन नहीं कर सकता है इन बातों का हमने जिक्र किया तत्पश्चात ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और पंजीकरण के रद्द किए जाने का कानूनी प्रावधान भी हमने समझा हम 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 सभी जानते हैं कि ट्रेड यूनियन एक एक मान्यता प्राप्त एजेंट तभी है जब वो ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत है तो पंजीकरण का क्या प्रावधान है और अगर एक ट्रेड यूनियन पंजीकृत हो चुका है तो किन प्रावधानों के अधीन ऐसे ट्रेड यूनियन को निरस्त किया जा सकता है रद्द किया जा सकता है उसका भी जिक्र हमने किया और इसके पश्चात हमने ट्रेड यूनियन के विधिक व्यक्तित्व और विशेषाधिकार को जाना पंजीकरण के पश्चात उनके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आता है और एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है इसकी चर्चा हमने इस इस व्याख्यान में विस्तृत रूप से की धन्यवाद thank <music> you